भारत के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम बेहद गर्व का विषय है, जिस पर आज देश के 130 करोड़ भारतीयों के साथ साथ विदेश में रह रहे हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम मोदी ने टेक्सास के ह्यूस्टन में 50,000 से अधिक अमेरिकी भारतीय लोगों को संबोधित किया। यह बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद है। यह पहला मौका है जब कभी दुनिया के दो बड़े देशों के प्रधान एक साथ लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक मौके पर माफी भी मांगी। ये जो दृश्य है, ये जो माहौल है, ये अकल्पनीय है। और जब टेक्सास की बात आती है तो हर बात भव्य होनी, विशाल होनी, ये टेक्सास के स्वभाव में है। आज टेक्सास की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इस अपार जनसमूह की उपस्थिति केवल एरिथमेटिक तक ही सीमित नहीं है। आज हम यहां एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। प्रेसिडेंट ट्रंप का यहां आना अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रतिनिधियों का, चाहे वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, उनका यहां आना और भारत के लिए, मेरे लिए इतनी प्रशंसा में काफी कुछ कहना, मुझे बहुत शुभकामनाएं देना, स्टेनी हायर, सेनेटर कॉर्निन, सेनेटर क्रूज और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रगति के बारे में कहा है, जो प्रशंसा की है, वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का, उनके सामर्थ्य, उनके अचीवमेंट का सम्मान है। $130 billion भारतीयों का ये सम्मान है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा भी बहुत से अमेरिकी मित्र आज यहां इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं हर हिंदुस्तानी की तरफ से सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जगह की कमी के कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए। जो लोग यहां नहीं आ पाए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगता हूं।
पीएम मोदी ने इस मौके पर हाउडी मोदी का भी मतलब सबको समझाया और कोशिश की कि भारत के अलग अलग प्रांतों से आए भारतीयों को उन्हीं की भाषा में बताने की। साथियों, इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी, लेकिन मोदी अकेले कुछ नहीं है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे, एल्लाम सौकियम, सर्वच्छान चल आए। सब खूब भालो, सबु भल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन भारत की कुछ अलग अलग भाषाओं में हमारी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बहुत बड़ी पहचान है। ये हमारी भाषाएं सदियों से हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां सह अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है। और साथियों, सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारे देश में अलग अलग पंथ, दर्जनों संप्रदाय, अलग अलग पूजा पद्धतियां, सैकड़ों तरह का अलग अलग क्षेत्रीय खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग मौसम ऋतु चक्र इस धरती को अद्भुत बनाते हैं। विविधता में एकता, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी विशेषता है। भारत की यही डायवर्सिटी हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का आधार है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी प्रेरणा है। हम जहां भी जाते हैं, डायवर्सिटी, डेमोक्रेसी के संस्कार साथ साथ लेकर के साथ चले जाते हैं।
आज यहां इस स्टेडियम में बैठे 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा भारतीय हमारी महान परंपरा के प्रतिनिधि बनकर आज यहां उपस्थित हैं।